खबर है बुलंदशहर से, जहां हैदराबाद और उन्नाव में गैंगरेप और हत्याओं की वारदातों को लेकर बुलंदशहर पुलिस हाईवे की सुरक्षा को लेकर मुस्तैद दिखी। NH 91 पर रात में पुलिस कर्मियों की तैनाती का निरीक्षण खुद SSP ने किया तो अधिकांश स्थानों पर पुलिस बल और महिला कांस्टेबल तैनात मिले। बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह ने रात में बस अड्डे और चौराहे पर भी यात्रियों और महिलाओं से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा का जायजा लिया। नेशनल हाईवे पर अधिकांश स्थानों पर पुलिस रात्रि में मुस्तैद मिली। दिल्ली कानपुर नेशनल हाईवे की सुरक्षा का जायजा लेने के लिए रात को सड़कों पर निकले तो बुलंदशहर के SSP संतोष कुमार सिंह जो NH 91 पर पूर्व की भांति पुलिस कर्मियों के मुस्तैदी का निरीक्षण करने के लिए सड़कों पर थे। SSP ने बकायदा पुलिस कर्मियों और राहगीरों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना और पुलिस कर्मियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश भी दिए। साल 2016 में नेशनल हाईवे 91 पर बुलंदशहर के पास एक महिला और उसकी किशोर बेटी के साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया गया था, जिसके बाद लूटपाट भी की गई। इस मामले में पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया था। पीड़ित परिवार उस रात कार में नोएडा से शाहजहांपुर पर जा रहे थे, तभी आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद यह मामला काफी चर्चा में भी आया। आपको बता दें कि हाल ही में हैदराबाद में नेशनल हाईवे के किनारे एक महिला वेटरनरी डॉक्टर को पकड़कर 4 लोगों ने उसके साथ पहले तो रेप किया था, उसके बाद पेट्रोल डालकर उसे जला दिया था। इसके बाद देश के कई कोने से ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें सड़क चलते किसी महिला को उठाकर उसके साथ गैंग रेप और लूटपाट की जाती है। इसी को ध्यान में रखकर बुलंदशहर पुलिस ने नेशनल हाईवे में पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। सर, आप रात में हाईवे पे निकले हैं, क्यों निकले हैं, क्या कारण है? देखिए, एक तो ये NH 91 जो दिल्ली से कानपुर की तरफ जाता है, बहुत संवेदनशील राजमार्ग है और पूर्व में भी कई घटनाएं गंभीर पटित की इस पर हो चुकी हैं, महिलाओं के साथ रेप आदि की घटनाएं भी हो गई हैं। इस लिहाज से हमने इस पूरे NH 91 को, जो हमारे क्षेत्र में पड़ता है, अलग अलग खंडों में थानावार विभाजित किया है। PRB इसको यहाँ पर लगा रखा है ये चेक करने के लिए कि PRB मुस्तैद है या नहीं और उन्हें क्या करना है। अगर कहीं कोई लावारिस हालत में कोई गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, या कहीं कोई महिला किसी एक पुरुष के साथ है अंधेरे में रात में, उसको मदद की ज़रूरत है, तो इन्हें सैनिटाइज करना और जो अराजक तत्व हैं उनकी निगरानी करना और सुरक्षा भाव लोगों में पैदा हो, इसलिए पुलिस की मोबिलिटी को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य को लेकर के हम लोगों ने ये चलाया है और ये लगभग प्रतिदिन का एक हम लोगों का रूटीन का कार्य है, ताकि एक सुरक्षा भाव लोगों के मन में बना रहे, पुलिस मुस्तैद रहे और कोई आपराधिक वारदात न बने पाए। सर, आपने जो पॉइंट चेक करे, क्या वहाँ पुलिस मिली है? हाँ, लगभग एक बज रहा है तो क्या पुलिस है क्या? हाँ, हर जगह पुलिस हमको फिलहाल मिली है और इसीलिए मिली है कि हम लोग नियमित रूप से इनको चेक करते रहते हैं और थोड़ा सा इनको वैज्ञानिक तरीके से भी जो है चेकिंग किस तरह से की जाए, किनकी की जाए और किनको मदद की ज़रूरत है, उनके प्रति किस तरह का संवेदनशील अप्रोच हो, तभी पुलिस को मोटिवेट करने का प्रयास किया जा रहा है। लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एंड JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।